मेकअप 101 एपिसोड 2। सो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ फाउंडेशन डूज एंड डोंट्स, मींस के आप लोगों को फाउंडेशन में क्या करना चाहिए फाउंडेशन अप्लाई करते वक्त और क्या नहीं करना चाहिए। सो अगर आप लोगों को जाना है कि किस तरह से फाउंडेशन अप्लाई किया जाए, फ्लॉलेस फाउंडेशन अप्लाई किया जाए, बेस्ट तरीका क्या है, तो कीप ऑन वॉचिंग। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड रिंग द बेल आइकन सो यू ऑलवेज नोटिफाइड कि मैंने वीडियो अपलोड की है। और अगर आप लोग इसकी फर्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पर कार्ड डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स टॉक अबाउट सम डूज एंड डोंट्स। सो सबसे पहली चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो है डोंट रब योर मॉइस्चराइज़र। इससे क्या होता है, जब आप अपने मॉइस्चराइज़र को अपने फेस पे रफली अप्लाई करते हो, उसको रब करते हो, इससे आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, स्पेशली अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई है। नेक्स्ट जो है आपको क्या करना है, आपको टैबिंग मोशन में आपको अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। इससे क्या होता है, आपकी जो स्किन में है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा आपका मॉइस्चराइज़र, और आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छे से अप्लाई होगा। नेक्स्ट जो है, डोंट स्किप योर प्राइमर, और प्राइमर के बगैर आपने फाउंडेशन को अप्लाई नहीं करना। इससे क्या होता है कि आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छे से अप्लाई नहीं होता, स्मूथली अप्लाई नहीं होता, पैचेस छोड़ देता है आपके फेस पे और इवन लेयर नहीं आती आपके फेस पे, तो इसलिए आपने स्किप नहीं करना प्राइमर को। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो आती है डूज में, आपने प्राइमर को लाजमी अप्लाई करना है, क्योंकि इससे क्या होता है आपके जो पोर्स होते हैं वो फिल इन हो जाते हैं, पोर्स जो हैं वो नज़र नहीं आते। और बहुत थोड़ी सी अमाउंट लेनी है आपने और इसको अपने फेस पे टैपिंग मोशन में अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने के बाद आपका जो फाउंडेशन है बहुत अच्छे से अप्लाई होता है आपके फेस पे। आपने इसको अप्लाई करने के बाद वेट करना है, जब तक ये ड्राई नहीं होता तब तक आपने इसको लगे रहने देना है, देन आपने फाउंडेशन को अप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो आती है डोंट्स में, डोंट वेयर एक्स्ट्रा डार्क फाउंडेशन। ओके, आपने अपनी स्किन से डार्क फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना, जो कि जो आपकी स्किन के साथ मैच करता है, स्किन टोन के साथ मैच ना करे फाउंडेशन, वो अप्लाई आपने नहीं करना। डूज में ये आता है कि आपने अप्लाई करना है वो फाउंडेशन जो आपके स्किन टोन से मैच कर रहा हो। ओके, जो इसमें जो डार्क फाउंडेशन है वो मेरी स्किन नेक से मैच नहीं हो रहा, यू गाइस कैन सी, और जो वाइट फाउंडेशन है वो मेरी स्किन से मैच हो रहा है। तो इसको अप्लाई करने का तरीका ये होता है, चूज़ करने का फाउंडेशन का तरीका ये होता है कि आप अपनी जॉ लाइन पर अब थोड़ा सा फाउंडेशन अप्लाई करो, अगर ये आपकी स्किन में मर्ज हो जाता है स्पेशली जॉ लाइन पर तो ये आपका मैच है। ओके, प्राइमर के बाद आप लोगों ने अपने फाउंडेशन को इवनली अप्लाई कर देना है विद द हेल्प ऑफ स्पंज और ब्रश जो आप लोगों को अच्छा लगता है, जिससे आपको इजी रहता है। देन डोंट फॉरगेट योर नेक, आप लोगों ने अपनी नेक और ईयर को भूलना नहीं है, उस पर लाजमी फाउंडेशन लगाना है, क्योंकि अगर आप खाली फेस पे लगाओगे तो वो बहुत बुरा लगेगा। ओके, नेक्स्ट जो डोंट्स में आता है, डोंट केक अप योर फाउंडेशन। बहुत ज़्यादा आपने फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना, इससे आपका फाउंडेशन केकी लगता है और वो बहुत ही बुरा लगता है आपके फेस पर। जो है डूज में जो आता है वो है कि आप लोगों ने उतना फाउंडेशन अप्लाई करना है कि जो नेचुरल लगे, ऐसा ना लगे कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप थोपा हुआ है। देन डोंट फॉरगेट, डोंट स्किप पाउडर इफ़ फाउंडेशन इज़ फुल कवरेज। अगर आप लोगों का फाउंडेशन फुल कवरेज है तो आप लोगों को पाउडर स्किप नहीं करना। उससे क्या होगा कि अगर आप लोग पाउडर स्किप करोगे तो आपका जो फाउंडेशन है वो दूसरे लोगों पर ट्रांसफ़र होगा। डू सेट योर फाउंडेशन, और इसको अच्छे से सेट करना है आपने। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो, होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप, और इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। सो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को इस वीडियो में कुछ समझ आया या नहीं। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन बाय बाय।